चाहेंगे इस इवेंट के बारे में और आज आपने काफी लोगों को सम्मानित भी किया, कैसा लगा? महाराष्ट्र बाजार पेट एक ऐसी संस्था है, एक एनजीओ है जो कि डॉक्टर कौतिक दांडगे साहब के नेतृत्व में कार्य कर रही है। किमान 51,000 फैमिली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और ये इतना ही नहीं करते कि आज के जमाने में जो रोजगार निर्मित का सबसे बड़ा संकट सबके सामने खड़ा है, तो ये सभी महिलाओं को घर में बैठे लोगों को रोजगार निर्मित का काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करके। कहावत है, बिना सहकार नहीं उद्धार, या हम लोग मराठी में बोलते हैं एकमेक सहाय करो अवघे धरो सुबंध। इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को मदद करते जाएंगे तो ये सहकार मूवमेंट घर घर में मन मन में फैल जाएगी और सभी महिलाओं को एकदम डिस्काउंट रीजनेबल रेट पे घरेलू जो सामान लगता है, किराना माल वगैरह महीने का वो मिलता ही है, और साथ में महिलाएं बचत करती है और अपने परिवार को हाथ बटाती है। ये बहुत ही अच्छा इनका योगदान है कि महाराष्ट्र बाजार पे बड़े बड़े डिमांड वाले वगैरह ये है, लेकिन ये लोगों ने हर लेडी का आज सम्मान किया है जिन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है, उनके प्रति जो ऋण व्यक्त करने का जो अच्छा जो एक ट्रेंड है, एक स्ट्रेटेजी रखी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। कार्यक्रम के बारे क्या कहेंगे डांगे से, कि बहुत भव्य कार्यक्रम था? पहले से ही मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कौतिक दांडगे जी ये लातूर जालना औरंगाबाद इस पिछड़े इलाके से बहुत छोटे गरीब किसान के फैमिली से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, उससे क्या होता है कि वो इतने विनम्र है, इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो एक कहावत है, विद्या विनय न शोभते, वैसे डॉक्टर कौतिक दांडगे जी का मुझे वो भी अच्छा गुण लगा कि वो सबके पैर पकड़ते हैं, सबको पैर लगाओ पाए लगाओ वो कह के अपनापन महसूस करके सभी 51,000 फैमिली के साथ जुड़े हुए। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि वो सही मायने में महाराष्ट्र गौरव या महाराष्ट्र भूषण के पुरस्कार प्राप्त होने के लायक रहे, तो ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र शासन ने जरूर उसको सम्मानित करना चाहिए, ऐसा मुझे दिल से लगता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी मुंबई वासियों के लिए गुड इवनिंग बोलता हूँ और साथ ही साथ सभी जितने भी मीडिया लोग उनके लिए शुक्रगुजार करता हूँ। और यहाँ ये जो कैचअप क्या बोलते हैं उसको कैचअप कर दिया आपने, उसके लिए आपको थैंक्स बोलता हूँ। आज का दिन है जो अपली बाजार पेट, महाराष्ट्र बाजार पेट, इनकी वधाबंदी की ये सातवीं छः छड़ी खत्म हो गई है और सातवीं छड़ी में वो पदार्पण कर रहे हैं, उसके लिए आज ने इन्होंने बड़ा इतना बड़ा इवेंट रखा है, उसमें साथ ही साथ जितने भी इनके सभासद हैं मेंबर्स हैं उन्होंने उनके लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया है, और जो उनके जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं और उनके जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो उन्होंने काम किया है उसके लिए जो अवार्ड्स दिया है, किसी के लिए जो साड़ियाँ दी है, किसी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो उनको बांटी है, वो एक सबलीकरण बोलते हैं जिसको एक इंकरेज होता है, तो वो उन्हें आज यहाँ पे प्रस्तुत किया है, हमने देखा है, सभी ने देखा है, इसको इंकरेज किया है। एक अच्छी चीज़ है कि महाराष्ट्र के लोग ने महाराष्ट्र के एक आदमी जिन्हों को डॉक्टर कौतिक दांडगे उन्होंने ये पहला कदम उड़ा के यहाँ तक सातवीं तक मंजिल तक आगे है, ये सबके लिए गौरवशाली बात है, महाराष्ट्र के लिए गौरवशाली बात है, और हमको सबको हर परिवार के लिए उन्होंने एक रोजगार दिया है, स्पेशली लेडीज के लिए जो रोजगार उन्होंने ये कर दिया है, प्रोड्यूस कर दिया है, वो एक बहुत उल्लेखनीय बात है, मायने बनती है हम सब के लिए, हर कोई इस तरह से काम करे और समाज को दिखाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं लेडीज़ के लिए। स्पेशली उन्होंने जो काम किया है, सबको इकट्ठा होकर एकता का एक एग्जाम्पल दिया है, वो बहुत ही बेहतरीन है, मैं इसको शुक्रगुजार करता हूँ और सभी लोग के लिए इनकरेज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, उन्होंने जो काम किया, थैंक यू बोलता हूँ।
थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम मतलब क्या कहेंगे बेटा, मराठी विचार मतलब आज महाराष्ट्र बाजारपेठ यांच्या 6व्या वर्धापन दिन आणि 7व्या वर्धापन दिन पदार्पण करत असताना हा जो आज उपक्रम आहे कंटिन्यू सर स्टार्ट से स्टार्ट बोला। आजच्या महाराष्ट्र बाजारपेठेमध्ये महाराष्ट्र बाजारपेठेच्या 6व्या वर्धापन दिन आणि 7व्या वर्धापन 7व्या वर्षात पदार्पण करत असताना आज हा जो उपक्रम केला आहे तो खरंच मुख्य म्हणजे वाख्यानेने आहे आणि संचालक संस्थापक जे कौतिक दांडगे आहेत त्यांनी एक वेगळी छबी त्यांची निर्माण केली या उद्योग क्षेत्रामध्ये। मला अभिमान वाटतो त्यांच्या या उद्योजकता क्षेत्रामध्ये त्यांनी फक्त केवळ व्यवसाय करण्यासाठी हे नाही केलं तर महिला सक्षमीकरणाचा एक चांगला उपक्रम आयोजित केला याच्या या माध्यमाने आणि ज्याच्यामुळे महिलांना घरी बसल्या बसल्या जो रोजगार प्राप्त होतो आणि त्याच्यामुळे त्यांना जास्त ऊर्जा मिळते काम करण्याची आणि महिला सक्षमीकरणामुळे भरपूर उद्धार झाला आहे या महिला क्षेत्रात आपण या उपक्रमामध्ये पाहिलं आहे। मला अभिमान वाटतो, मी या संस्थेचा एक विश्वस्त असल्यामुळे मला कौतिक सरांचा खूप अभिमान वाटतो आणि असंच मी यश त्यांना मिळो भविष्यामध्ये अशी मी आशा करतो। थँक्यू सर। थँक्यू सर। बाजारपेठ का साथ 6 साल पूरे चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आप? एक मई 2017 स्थापन किया महाराष्ट्र बाजार पे, 1 मई 2023 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में महाराष्ट्र बाजार पेट के 35,000 ग्राहक हैं और महाराष्ट्र बाजार पेट का विजन ऐसा है कि 36 जिले में 36 सुपर मार्केट बनाने का है। मुंबई में 5, पुणे में 5 और 36 जिले में 36 सुपर मार्केट और 2036 तक 18,000 करोड़ का एक कंपनी करने का है। आपने भी देखा होगा कि श्री शिवाजी मंदिर नाट्यगृह में इतना बड़ा आपने सेलिब्रेशन किया है। 6 साल हुए अभी, 6 साल का ये 9 मई 2023 को बड़ा सेलिब्रेशन किया और इसमें सारे महिलाएं हैं। महिलांसाठी अपन जास्त काम करतो, महिलांना व्यवसाय इथे मिळतो, महिलांनी इथे जर सामान खरेदी केलं तर महिलांना आपण इथे त्यांना त्यांचं मनोरंजन, त्यांना नाटक फ्री, त्यांना ऑर्केस्ट्रा फ्री, त्यांना पिकनिक फ्री, असे चांगले चांगले प्रोग्राम त्यांना बक्षीस मिळतात, बघायला मिळतात, महिला खुश आहेत आणि याच्याही पुढे 2036 पर्यंत महाराष्ट्र बाजारपेठ असंच काम करत राहणार। तुम्ही सर्व मीडिया, सर्व माझे सहकारी मित्र, सर्व मला साथ द्या अशीच आपण 2036 पर्यंत सोबत राहू। पुष्कर साहेब पण इथे आहेत, सर्व मीडियाने मला साथ द्यायचे आणि सगळे ग्राहक सभासद यांचं मी आज मनापासून आभार मानतो। त्यांचे मी ऋणी राहील की एवढा मोठा आज सभागृहामध्ये फुल भरलेला होता, बसायला जागा नव्हती। इथे अनेक महिलांचे गुणगौरव सोहळा, सर्वात मोठं आपण इथे केले की गुणगौरव सोहळा महिलांचा, की ज्याने चांगलं कार्य केलं, चांगलं कुशल काम केलं, अशा सगळ्या महिलांचा आपण गुणगौरव केलेला आहे असं दरवर्षी आपण करणार आहोत। तर परत एकदा मी तुमच्या सगळ्यांचे, माझ्या ग्राहकांचे, इथे सगळे सर्वांचे आभार मानतो। धन्यवाद। थँक्यू। गुगल प्ले स्टोरवरती आज आपण ॲप लॉन्च केलं, संपूर्ण महाराष्ट्रभर, पूर्ण राज्यभर आपले गुगल प्ले स्टोरवरती ऑनलाईन शॉपिंग होणार आहे। इथून पुढे खूप मोठी धमाल महाराष्ट्रवाटी होणार आहे आणि आज सर्वांनी गुगल प्ले स्टोरवरती जाऊन महाराष्ट्र बाजारपेठ टाइप करा आणि गुगल प्ले स्टोरवरती आपला महाराष्ट्र बाजारपेठची ॲप डाउनलोड करा आणि सगळ्यांनी ऑनलाईन खरेदी करा। थँक्यू। फायदा काय याच्यामध्ये? फायदा असा आहे की ॲपवरती तुम्ही जर खरेदी केली त्याच्यामध्ये तुम्हाला रेफरल वगैरे सगळं मिळणार आहे, डिस्काउंट आहे, ऑफर आहे, बरंच काही सगळं आहे आणि घरपोच सेवासुद्धा होणार आहे। तर आज लॉन्चिंग झाली आहे, काही पुढच्या महिन्यामध्येच आपण ऑनलाईन डिलिव्हरी सगळं करणार आहे। थँक्यू सर।